गाइस मैं दीवान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरी अप्रीति आखिर हम सिंथन के ऊपर आके अगली वाली साइड गए। गाइस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है ये भी, और आप देख सकते हैं रांच कहाँ पे खड़े हैं। आगे बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वेदर तो था ही, और आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। गाइस जो हम देखना चाहते थे आखिरकार यहाँ पे मिल गए, आखिरकार आप पहुँच गए, बहुत खुशी हो रही है। लास्ट तक पहुँचे माफी चाहेंगे। मेरी अप्रीति नीचे से हम आते हुए, अब लास्ट बता रहे हैं कि इस पर जाएंगे जो इस साइड है, हमारी तमन्ना है वहाँ जाने की, बस करो, बचपन से तमन्ना थी। अब यहाँ की ओर हम बढ़ते हुए, यहाँ सिर्फ पत्थर दिखते हैं ऊपर से, और वहाँ से हमेशा नीचे से दिखता था ये कि प्लेस यहाँ पे है क्या, है क्या। और इसके पीछे तो हमने आपको दिखा दिया, हम नीचे अभी हम जा नहीं पाएंगे, और चैनल के लिए कुछ बोल रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिल्कुल यही करें, चाहे जितनी बार करें उतनी बार ये सब्सक्राइब भी करके रखें। और राशिद भी आते हुए, और रिमे और रास्ते में कुछ जमा करते हुए जड़ी बूटी, कुछ फ्लावर्स टाइप के, बहुत पुराने पीर हैं ये जड़ी बूटियां, हम जमा करके बेचेंगे बाबा। 47 एक बहुत बड़ा बिजनेस हमने खोला है, बड़ी दुनिया देखी आज। आप ये देख सकते हैं, पर आप ये जो फूल है आपको पता नहीं ये किसके लिए यूज करते हैं, लेकिन मुझे पता है, जिसको भी अपने बाल येलो करने होंगे बस एक बार ऐसे ऐसे करना है बालों। तो ये थी काफ़ी अच्छी जानकारी, क्योंकि आजकल फैशन ऐसा हो गया है कि लोग ढूंढते रहते हैं कोई कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, चीज़ मिल जाए, तो ये काफ़ी फ्री फ्रॉम केमिकल्स हो जाए, प्योर शुद्ध आयुर्वेदिक है। और यहाँ से अब हम वापस ही रुख करेंगे नीचे की ओर, यहाँ नीचे हम थे और वहाँ से बहुत चढ़ के आए। ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं गाइस, क्योंकि हमें पूछिए और थोड़ा सा जो आपने मैंने को बताया बैक साइड पे ये है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं आप देख सकते हैं। अब देखते हैं, हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से फिलहाल। से आगे हम कश्मीर वाले रोड पे थोड़ा आए, एक दो मोड़ नीचे, यहाँ ही इरादा है खाना छाना खाने का, क्योंकि भूख लगी हुई है भाई को भी। और यहाँ पे भाई रिवर्स चलते हुए यहाँ पर ये रोड वहाँ पे है, वहाँ से हम काफ़ी दूर थोड़ा नीचे आए थे, खाना वगैरह जो हमने खाना था लंच हमने यहीं पे कर लिया। अब थोड़ा सा सारे बड़े लोग बिल्कुल बेहाल बैठे हुए हैं, मतलब बिल्कुल एंजॉय करते हुए, और दानिश भी आ रहे हैं और कुछ चुराने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा सारे, और ये पैरामिड वाला पहाड़ ऊपर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा खूबसूरत कर रहे हैं। 10 नाइट 12 नाइट स्टे करके करें, जैसे कि राष्ट्र बता रहे थे एक घर ही ले लेते हैं, यहाँ पे एक घर बना रहे थे यहाँ पे, बनाएंगे और यहाँ बड़े मस्त है। तमन्ना है कि यहाँ पे एक फार्म हाउस बनाऊं, इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश। सिंग कर रही है यहाँ पे, एक मेमोरी रहेगी हमेशा, सिंगर हैं हम ऐसे, कौन कहाँ कहाँ पहुँचे कब कुछ पता नहीं, शायर भी हैं और सिंगर भी हैं, जाएगा किस और दुनिया में जाएगा, बीच-बीच में सिंग करते हैं और सिंग चल रही है, और ये हमारे लिए मेमोरी है, रहेगी इंशाल्लाह हमेशा के लिए। और खाना खाने के बाद काफ़ी ज़रा थक गए थे सारे, यहाँ पर हमने रेस्ट किया है। और गाइस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप इनसे पूछिए। Guys, हम भी नहीं बता सकते। I cannot explain, no words. For this location. वापस निकलते हुए यहाँ पे हमने बहुत टाइम थोड़ा स्पेंड किया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह रेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं
और रासिम ये भी रेडी बैग वगैरह सब उठा लिया है, सामान जो भी था तो भी आ गए और यहाँ पे निकल लें जी। हमें नीचे करना था आलू फॉर्म में, लेकिन अचानक से मिडल स्पॉट बहुत अच्छा था ये स्पॉट, वैसे ऊपर से व्यू भी अच्छा ही दिख रहा है। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और वहाँ से वापस निकलने का इरादा कर लिया और हम निकल चुके हैं यहाँ से, थोड़ा अल्फा में बैठेंगे, अब देखते हैं आगे। ये ठहरने की जगह जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं उनके ठहरने के ठिकाने, गर्मी में खासकर इस जगह के, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है। और भी कुछ थे इस जगह पे, पीछे आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ पर भी और कुछ साइड में ऐसे थे। और ये हमारी पलटन वापसी की, वापस के लिए चलते हुए हो गए खाना खाने के बाद। मेरा प्लान है कि ये बता रहे हैं कि शॉर्टकट जाएंगे रोड पर, ये बोलते हैं यहाँ से चढ़ना डिफिकल्ट लग रहा है, ये इजी लग रहा है। तो अब हम किसी से पूछते कि सजेस्ट करो, पर किससे पूछें, इसलिए अब क्या हुआ आगे वो आप आगे सीन में देखेंगे, क्या राशिद भाई यहाँ से गए या नहीं गए, हम आपको आगे बताएंगे। आगे गए हुए थे हम वो लास्ट पे, वहाँ से भी नीचे थोड़ा, अब वहाँ से वापस आ चुके हैं गाड़ी के पास। बहुत अच्छी धूप खिली हुई और मौसम बिल्कुल मस्त लग रहा है इस टाइम पे। बाकी स्क्वाड हमारी जो कि ज़बरदस्ती चल रहे हैं, नींद में सारे पता नहीं क्यों गड़बड़ा गए हैं, और अब यहाँ से नीचे कहीं और बैठने का इरादा है, तो देखते हैं आगे कहाँ जाके रुकते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, वाल फॉर्म के पास हैं। यहाँ पे अब अभी हम किस जगह पे हैं और क्या है यहाँ की, कुछ जो आप बता रहे थे खाना पीना। भाई हम अभी यहाँ पे वाल फॉर्म में पहुँच गए हैं, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पे छोटा सा ढाबा है जहाँ पे हर एक चीज़ दस्तियाब है। यहाँ की चाय जरूर पीजिएगा, बहुत ही अच्छी मिलती है, नमकीन भी और दोनों मीठी चाय भी, और यहाँ पे खाना शाना सब कुछ ओके रिपोर्ट है। ऑमलेट मैंने सुना था, ऑमलेट ही मिलता है यहाँ पे, सब्जी वगैरह, सब्जी चावल चिकन ओके रिपोर्ट सब है। एक बार आए यहाँ पे खाए और इन्जॉय करें। तो ये थे मेरे साथ राष्ट्र भाई जुड़े हुए हैं, यहाँ थोड़ा ढाबा बनाया हुआ है ज़माना भी एक दिन होता था। फॉर्म में चाय वगैरह जो भी पिया उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतरते हुए यहाँ से, और बाकी भी जो हमारी गैंग है दानिश पेप्सी लेके इस वेदर में खासकर चला नहीं जा रहा है, इन जगह। ये हैं वो बंदे जो नागिनशिर जाने वाले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, सारे रिजेक्ट हो गए हैं। सर ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे हम आ गए हैं? ये आलू फार्म है, आलू फार्म आ गए हैं। कहाँ आलू फार्म? फार्म तो दिख रहे हैं लेकिन आलू नहीं है। यहाँ पे हमें एक वैरायटी दिखी जिसका नाम है, आलू। इस वैरायटी का नाम है गाजर, गाजर मिल रहे हैं यहाँ पे, गाजर। ओके रसन भाई कौन है? भाई ये कोकरनाक से हैं, मदरसे से बच्चे पिकनिक बनाने आए हैं, लाइटिंग की वजह से शायद नीचे के एडमिशन डेरा लगाएंगे, आप पता नहीं कहाँ पे लगाएंगे, टेंट वगैरह लाए हैं, काफ़ी सामान लाए हैं, कुछ सीन के बॉल आ रहे हैं, बर्तन भी लाए हैं। ठीक देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे पिकनिक आज भी अच्छे से चलती रहती चल रही है ना। देखिए यहाँ पे थोड़े मेरे को कन्फ्यूजन है, ये दूसरे व्लॉग में बताऊंगा क्या कन्फ्यूजन थी जी, वेट करें थोड़ा सा। यहाँ से अब निकलने की तैयारी, आलू फार्म से आगे दानिश भी बाइक करते हुए गाड़ी बैठते हुए। यहाँ से हम गए अब जाने वाले पावर बैंक पन पान क्या है।
जगह को अलविदा करते हुए, यहाँ किसी और जगह पे किसी और व्लॉग में। फिलहाल के लिए हम वापस जा रहे हैं, देखिए वो सनसेट, सनसेट देख सकते हैं बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच। हमारे किश्तवाड़ के दीवान चंद, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी यूट्यूब नहीं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉरी दीवान भाई, सब्सक्राइब। इनका सिग्नेचर एक पोज है, स्टाइल है, जरा बोलिए। हाय गाइस, मैं दीवान, वेलकम। थोड़ा सा छात्र में उतर चुके हैं, ये है सख्त लौंडे यहाँ पे दीवान, फिर से दीवान के साथ छात्रों में थोड़ा सा उतरते हुए, और रासिम साहब, दानिश एक्स्ट्रा बाकी यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसे भी हम घर के लिए रवाना हो ही चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर भी, और देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विमिंग पूल। यहाँ से छात्रों स्विमिंग पूल से वापस ना, वाशी आ रहा है काम। यहाँ पे गली क्रिकेट चलता हुआ, ओहो ये भाई साहब आउट हो गए गली क्रिकेट। ये फील्डर हैं जिन्हें स्विमिंग पूल से बॉल निकाल के, ये हमारे बॉल बॉलर बोला होगा सब खेचुते हमारे बॉलर थे। इच्छा सुरोल अकबाल त्राम में इच्छो नहीं इच्छो लेके, काफी बढ़िया शॉट। और नंबर नोट करने को कहा था पिछले व्लॉग में, अगर नहीं किया हो तो इसमें कर लेना। हम डेस्टिनेशन पे वापस पहुंच चुके हैं अपने घर, होम टाउन किश्तवाड़, और ठीक ही है फिलहाल क्योंकि चला भी बहुत हमने। और मिलते हैं किसी और व्लॉग में फिर कभी इंशाल्लाह गाइस, फिर कभी किसी और व्लॉग में फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, रेडी रहना आप सब, लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज़रूर करें, और अपने बिल्कुल, और अपने थोड़ा सा अगर कुछ आप बताना चाहेंगे कि कौन सा आप क्या देखना चाहते हो, मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे बिल्कुल। वैसे तो हमारे चैनल पर सब कुछ आता रहता है मिक्स, तो अब देखते हैं नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में गाइस मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, ओके।